डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आरडी एंड डीजो कॉलेज मुंगेर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पीजी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो नए टॉपिक जो वर्ल्ड बैंक पिछली वीडियो में जो स्टार्ट किया था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड बैंक क्या है, क्यों स्थापना हुई, उसका उद्देश्य क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आज इस वीडियो में ये देखने का प्रयास करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की जो नीति रही है वो क्या कैसे रही है, उनकी जो पॉलिसी किस तरह से रही है और किस तरह से काम किया है और कब कब इसके परिवर्तन हुआ है, किस प्रेसिडेंटशिप में किस तरह का इन्वायरमेंट रहा है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम करने का, वो देखने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड बैंक 1946 से स्टार्ट हो जाती है, जबकि इसकी स्थापना 1944 में होती है और ये अपना पहला लोन फ्रांस को देती है जो कि यूरोपियन कंट्री है। और जैसा कि मैंने शुरुआती उद्देश्य बताया था, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत दिया गया था। 1940 के दशक और 1950 के दशक में वर्ल्ड बैंक ये कोशिश कर रहा किया कि जो डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिस होता है और इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट या लोन देने का प्लान किया था। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बिग प्रोजेक्ट डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, रोड हो गया, ये सारे चीज़ों पे ये खर्च करना शुरू किया। ये 1940 और 50 के दशक में वर्ल्ड बैंक की इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहा है। लेकिन लास्ट 1950 दशक के सालों में और 1960 के दशक के शुरुआती दिनों में ये वर्ल्ड बैंक अपनी पॉलिसी में बदलाव लाता है। खास करके जो वो दौर होता है वो कोल्ड वार का दौर होता है और यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट ग्रुप को लीड करता है, यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री को ग्रुप को लीड करता है, दोनों इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का प्रयास करता है, खास करके यूएसए, क्योंकि यूएसए का वर्ल्ड बैंक में काफ़ी शेयर होल्डर होता है और आज भी वो लीडिंग शेयर होल्डर है। इसके वजह से जो इसकी जो पॉलिसी होती है उसमें यूएसए के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो कोल्ड वार के दौरान यूएसए ये कोशिश किया कि इस संस्थान का उद्देश्य अब डेवलपिंग कंट्री के लिए जो पुअर कंट्री है वहाँ पे लोन के माध्यम से अपने आइडियोलॉजी के अंतर्गत ग्रुप में लाने के प्रयास किया गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक भी अपनी पॉलिसी में चेंजेज लाती है और 1960 के शुरुआती दौर में इनकी जो नीति है उसमें बदलाव आती है। अब एक नए नए क्षेत्रों में ये लोन देना स्टार्ट कर देता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये इस सारे क्षेत्रों में लोन देना शुरू कर दिया। और ये भी कोशिश करना शुरू किया कि जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके यूनाइटेड नेशन की कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है जो जिसका एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सैनिटल हेल्थ पे काम है, उससे ये कोलैबोरेशन भी स्टार्ट कर दिया। जैसे FAO, यूनेस्को, इसके साथ एक कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया। और इसके जब कोलैबोरेशन स्टार्ट किया तो नया नया प्रोग्राम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, कुछ एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी भी अपनाना शुरू किया, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सारे के सारे जो इशू है 1960 के दशक में स्टार्ट हो गया था। और इस समय एक ही और बदलाव हुआ है, जो स्टाफ है वो काफ़ी बढ़ गया और इसके सदस्य देश जो है वो काफ़ी बढ़ गया, खास करके जो डेवलपिंग कंट्री का जो देश था उसका ये सदस्य बनना शुरू हो गया। जो पांचवें प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, रॉबर्ट एस मैकमारा, इनके टर्म में वर्ल्ड बैंक का एक्सपेंशन काफ़ी होता है। इनके टाइम में जो पॉलिसी होती है, जो अभी तक जो 1960 के दशक में जो मैंने पॉलिसी अभी एक्सप्लेन किया, इसको एक नए सिरे से कोशिश करता है कि डिजाइन करें और कोशिश ये करता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन स्टार्ट कर देता है, जैसे एग्रीकल्चर का जो लोन होगा, जो सैनिटेशन का होगा या हेल्थ का होगा, वो ये कोशिश करता है कि जो
सोसाइटी के, देश के जो जैसे फार्मर है, पुअर मेंबर्स है, उसको हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे ये हो रहा था कि इस हेल्प की वजह से जो वर्ल्ड बैंक का जो सदस्य है वो बढ़ते जा रहा था, और उसका और वर्ल्ड बैंक का प्रभाव अपने सदस्य देशों पे बढ़ते जा रहा था। और इसी कड़ी में 1980 के दशक में वर्ल्ड बैंक एक नई प्रोग्राम लाता है, वो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, SAP। अब वर्ल्ड बैंक जो है पॉलिसी इंटरवेंशन स्टार्ट कर देता है इस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो मेंबर कंट्री है, जो बोरोवर कंट्री होगी, उसको लोन तभी मिलेगा जब तक कि उस सदस्य देश जो है अपने पॉलिसी में चेंज लाएं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाएं, वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे, लिबरल अपनी जो पॉलिसी है, इकोनॉमी है, उसको लिबरल बनाए, तब जाके आपको लोन मिलेगी। एक तरह से कहिए जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रभाव है अपने सदस्य देशों का वो और बढ़ता ही जा रहा था, और डेवलपिंग कंट्री की एक ऐसी अपनी पोजिशन थी, एक इकोनॉमिक कंडीशन थी जो कि वो जिसके वजह से वो एक्सेप्ट ही ये सारे के सारे पॉलिसी एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन 1990 के दशक में ये सारी नीति जो खास करके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और डेट क्राइसिस प्रोवाइडिंग लोन जो था, जो डेवलपिंग कंट्री के साउथ अफ्रीकन कंट्री को जो देना स्टार्ट किया था अफ्रीकन कंट्री को, लेकिन वो देना तो स्टार्ट किया लेकिन जो जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, उसमें बहुत सारी ग्रीवेंसेज बन के आ रही थी। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, जैसे वर्ल्ड बैंक इंडिया में डैम प्रोजेक्ट को दे रहा था, पॉलिसी को भी दे रहा था, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है जो मेजर शिफ्टिंग हुआ था वो 1990-91 हुआ, लेकिन उससे पहले एक जो प्रोजेक्ट थी दामोदर वैली प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारा ह्यूमन क्राइसिस हुआ, जैसे रिसेटलमेंट का इशू हुआ, रिसेटलमेंट हुआ, जो उसकी इकोनॉमिक थी वो बहुत, उसका जो लोकल पीपल था उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन वो ख़राब हो गया, जो डैम की वजह से बाढ़ आना स्टार्ट हो गया, तो ये कई सारी समस्याएं हो गई। तो अब ये ग्रीवेंस यानी जो वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी रही है उसको क्रिटिक करना भी शुरू कर दिया था। तो फिर वर्ल्ड बैंक इस क्रिटिक का भी एक नए सिरे से कोशिश करता है कि मतलब रिस्पॉन्स करे। तो इसी को ध्यान में रख के 1990 के दशक में वर्ल्ड बैंक अपनी भी पॉलिसी में बदलाव लाता है। अब वो ये कोशिश करता है कि एक ऐसी अप्रोच अपनाए जो कि सबको शामिल कर ले, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है जिसमें जितने सारे डेवलपमेंट की सेक्टर है उसको कवर करता है, प्राइवेट एजेंसी को भी इसमें शामिल करता है, सिविल सोसाइटी NGO को इसमें शामिल कर लेता है, सारे के सारे इसमें शामिल करने का प्रयास करता है। जैसे 1997 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट पार्टिसिपेटरी रिव्यू इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक जो है बैंक और जो 250 NGO है उसके बीच में कोलैबोरेशन स्टार्ट किया, और ये इस कोलैबोरेशन के माध्यम से कोशिश किया, समझने का प्रयास किया कि जो एडजस्टमेंट पॉलिसी है ये कितना प्रभावी है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, ठीक, और क्या रिक्वायरमेंट है, ये समझने का प्रयास किया। और 1990 और के आखिरी दिनों में और 21वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में ये सारी की सारी पॉलिसी अभी तक कंटिन्यू रखी गई है। आज भी हम लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इस विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में लोन प्रोवाइड कर रही है। अभी वर्तमान में एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को COVID-19 से लड़ने के लिए $1 मिलियन जो है लोन प्रोवाइड कर रही है, हेल्प प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक हेल्थ इशू के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य शुरुआती दिनों में था और आज के जो दिनों में है उसमें एक तरह से शिफ्ट हुआ है, मेजर शिफ्ट हुआ है, और वर्ल्ड बैंक का ही और IMF की ही पॉलिसी कंडीशनलिटी की ही वजह से 1990-91 भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिला था। हाँ, इसके अंतर्गत एक चीज़ और हम लोगों को देखने का
जानने का जरूरी है, जो है कंडीशनैलिटी। मतलब वर्ल्ड बैंक एक कंडीशन, एक शर्त रखता है, खास करके बोरोअर कंट्री जो जहाँ जो देश लोन लेना चाहता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की जो ऑब्जेक्टिव था उसको साथ में रखते हुए, कि एक शर्त रखता है कि आपको लोन तभी मिलेगा जब तक आप कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर लेंगे। जैसे आपकी जो इकोनॉमी होगी वो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी होगी, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट होगा, पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो आपकी जो पॉलिसी है लाइसेंस देने की उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी, उसमें चेंजेज लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लोन मिलेगा। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वर्ल्ड बैंक का जो नीति रही है उसमें बहुत सारी खामियां रही है, क्या क्या इसकी कमजोरी रही है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जो पहला है क्रिटिक है, ये वेटेड वोटिंग शेयर पे काम करता है, जैसे कि जिस सदस्य देश का जो वोट शेयर है, फिनेंशियल शेयर है, जिसका जितना शेयर होगा उसका वोटिंग शेयर ज़्यादा होगा और उसका जो प्रभाव होगा वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी में ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि वर्ल्ड बैंक का जो इसमें स्टेक है, फिनेंशियल शेयर है, वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए उनकी जो पॉलिसी है, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी है उसमें वर्ल्ड बैंक का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंटरफ्रेंस होता है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हमेशा US नेशनल से ही होता है, तो जबकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक में 189 देश सदस्य देश है, तो 189 सदस्य देश होने के नाते कोई एक देश से इसका प्रेसिडेंट बने तो इस संस्थान की डेमोक्रेसी पे प्रश्न है, यानी वो संस्थान किस तरह से काम करेगा जो इसका उद्देश्य है उस पर एक सवाल है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। जो तीसरा क्रिटिक है, जैसा कि मैंने कंडीशनलिटी और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया, इस स्ट्रक्चर और इस कंडीशनलिटी की वजह से जो स्टेट या बोरोअर कंट्री है उसका जो ऑनरशिप है, उसकी जो सॉवरेंटी है, वो उसको एक चैलेंज मिल रहा है, उसको एक क्या कहें कि उसकी जो सॉवरेंटी कहा जाता है कि खतरे में है, जो आप अपनी जो नीति, जो एक इंडिपेंडेंट नीति बनाते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड बैंक के होने की वजह से आप सॉवरेन, ऐसा कहा जाता है कि नहीं रह सकते हैं। और ये भी हमें देखने को मिला है कि वर्ल्ड बैंक की नीति हमेशा सफल नहीं रही, इसमें भी बहुत सारी खामियां रही। जैसे वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट जो मैंने बताया आपको इंडिया में, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, उसके वजह से इन वर्ल्ड बैंक को एक नया इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट करनी पड़ गई थी, ग्रीवेंसेज मैकेनिज्म जो है ना क्रिएट करनी पड़ गई थी, जिसका नाम इंस्पेक्शन पैनल था। तो ये कई सारे इसके अंतर खामी है, वर्ल्ड बैंक की भी कुछ इस तरह की कुछ खामी है, तो खामी है। तो अब तक हमने इस वीडियो, अब तक जो लेक्चर हुआ है इसमें हमने देखने का प्रयास किए हैं दोनों वीडियो मिला के कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी नीति क्या है। तो इस एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ऑलमोस्ट कवर हो गया है, और जो भी इसमें समस्या हो, जो भी सवाल हो और या कोई नया इनपुट हो आप लोग दे सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर दें। इसके लिए हम आप लोगों का स्वागत करेंगे। थैंक यू।